वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 14 सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट राइटर जॉन गोवर को। जॉन गोवर को डिस्कस करने के साथ साथ हम उनके मेजर और माइनर वर्क्स को भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जॉन गोवर लैंगलैंड और चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। ही वॉज द पर्सनल फ्रेंड ऑफ चौसर आल्सो। ही इज नोन फॉर हिज थ्री मेजर वर्क्स एंड द फर्स्ट मेजर वर्क of John Gower is Vox Calamentis. Vox Calamentis को लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। Vox Calamentis टाइटल का इंग्लिश मीनिंग है voice of one crying out. Voice of one crying out या Vox Calamentis What Taylor Rebellion को डिस्क्राइब करता है। What Taylor Rebellion क्या था? इंग्लैंड में 100 ईयर के वॉर्स के बाद इंग्लैंड के इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही डेस्पेरेट हो चुकी थी। इन इकोनॉमिक कंडीशंस के ख़राब हो जाने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, खासकर पीजेंट वर्क पर, किसान वर्क पर ये टैक्स थोप दिए गए थे, जिनकी वजह से वहाँ एक रिबेलियन क्रिएट हुआ और इसी रिबेलियन को पीजेंट्स रिबेलियन या वॉट टेलर रिबेलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये बुक वॉक्स कैलामेंटिस इसी वॉट टेलर रिबेलियन को डिस्क्राइब करती है। साथ ही साथ ये बुक उस टाइम की क्लर्जी पर, पादरी वर्ग पर भी एक स्वीयर क्रिटिसिज्म करती है। ये उस टाइम पर रोमन कैथोलिक चर्च में खासकर पाए जाने वाले भ्रष्टाचार को डिस्क्राइब करती है। इस पोएम को 10,265 लाइंस में और एलिजिक कपलेट्स में लिखा गया। अब एलिजिक कपलेट्स क्या है? एलिजिक कपलेट्स इज़ अ पोइटिक फॉर्म। इट वॉज़ यूज बाई ग्रीक लिरिक पोएट्स एंड जनरली इट इज़ यूज इन दी पोएम्स स्मॉलर देन एपिक। एलिजिक कपलेट पोइटिक फॉर्म है जिसे ग्रीक लिरिक पोएट्स ने यूज़ किया था और इसे एपिक से छोटे वर्क्स के अंदर जनरली यूज़ किया गया था। नेक्स्ट फेमस वर्क रिटन बाई जॉन गोवर इज़ स्पेक्यूलम मेडिटेंटिस। स्पेक्यूलम मेडिटेंटिस इज़ अ फ्रेंच टाइटल एंड is a French book and its French title is Mirror de Omne. It was a poem of 30,000 lines. इस poem को 30,000 lines में लिखा गया था। Next important poem and the most important and most famous poem of John Gower is Confessio Amantis, which was written in English language. इस poem को उन्होंने English language में लिखा जो कि 112 टेल्स को कंटेन करती है। 112 टेल्स इसमें लिखी गई है एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी फोर्थ एंड दिस इज़ द बुक इन विच ही प्रेज्ड चौसर। कन्फेशियो अमेंटिस में ही जॉन गोवर ने चौसर की प्रेज भी की थी और ये प्रेज उन्होंने कन्फेशियो अमेंटिस के एंड में की थी। ये पोएम एक क्रिश्चियन अमांस, जिसका क्या नाम है, अमांस के कन्फेशंस को डील करती है, अमान के कन्फेशंस को डिस्क्राइब करती है। इसे हम पोएम में अमांस द लवर के नाम से जानते हैं। ही कन्फेसेस हिज सिन अगेंस्ट लव टू द चैपलेन ऑफ वेनिस। इन दिस पोएम वीनस टेल्स अमांस To confess his sin so that he may have peace. Venus उसे बताता है कि उसे confess करने चाहिए अपने अपराध ताकि उसे life में सुकून मिल सके। इसीलिए Venus उसे genius के पास छोड़ जाती है और genius आगे poem में अमांस के confessions को सुनने वाला है। अब यहाँ से इसी poem से UGC ने दो बार questions पूछे हैं। In 2018 he has put a question in John Gower's confession Amantis. अमांस द लवर मेक्स हिज कन्फेशन टू द प्रीस्ट नेम्ड। किस प्रीस्ट के सामने उसने कन्फेशंस किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? जीनियस। एंड इन 2017 ही आस्क्ड क्वेश्चन द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ गोवर्स कन्फेशन कन्फेशियो अमेंटिस इज। मेट्रिकल फॉर्म क्या है कन्फेशियो अमेंटिस की? एंड द राइट आंसर इज ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। इस तरह से ये पोएम एक इम्पॉर्टेंट पोएम बनती है क्योंकि यहाँ से UGC ने 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एंड द बुक इज़ रिटन एंड द पोएम इज़ रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। इट कंटेन्स 33,000 लाइन्स विच वॉज रिटन ऑन द सब्जेक्ट, बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट क्रिश्चियन कन्फेशंस। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर वर्क्स जॉन गोवर इज ऑल्सो नोन फॉर सम माइनर वर्क्स एंड दिस माइनर वर्क्स आर प्रेज ऑफ पीस। प्रेज ऑफ पीस को 1400 में लिखा गया था and it was written in English language. Second work, Clinket Ballads, it was a French work. Third is
पोएम टू हेनरी फोर्थ ट्राइट दैट वॉज ऑल्सो रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन चौसर एंड गोवर. चौसर एंड गोवर वर क्लोज फ्रेंड्स टू ईच अदर. चौसर डेडिकेटेड हिज ट्रॉलियस एंड क्रिसेड टू जॉन गोवर एंड ही कॉल्ड जॉन गोवर मोरल गोवर. चौसर ने अपनी बुक ट्रॉलियस एंड क्रिसेड को जॉन गोवर को डेडिकेट किया था और उन्होंने ही जॉन गोवर को मोरल गोवर भी कहा था. गोवर प्रेज चौसर इन द एंड ऑफ हिज बुक कन्फेशियो अमेंटिस. गोवर ने कन्फेशियो अमेंटिस के एंड में चौसर की प्रेज की थी, लेकिन गोवर के जो पोएम्स हैं उनमें चौसर की विविस्टी और चार्म्स की कमी है. चौसर ने बहुत ही चार्मफुल स्टाइल में लिखा, लेकिन गोवर ने एक ग्लूमी व्यू प्रेजेंट किया था अपने टाइम के सोशल कंडीशंस को. गोवर प्रेजेंट अ वेरी ग्लूमी व्यू ऑफ सोशल कंडीशंस ऑफ द टाइम. हालांकि चौसर और गोवर दोनों ने ही 14th सेंचुरी की सोशल कंडीशंस को, सोशल पेनोरमा को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन जहां चौसर ने इसे लाइवली ढंग से डिस्कस किया, एक बहुत ही सजीव चित्रण किया, वहीं गोवर ने इसे बहुत ही ग्लूमी वे से और सार्कास्टिक यानी कि स्टाइरिकल वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया है. गोवर एक रिफॉर्मेटिव ढंग से उन्होंने अपनी राइटिंग्स को लिखा, लेकिन चौसर ने इसे रिफॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत ही एंटरटेनिंग वे में भी लिखा. तो इस तरह से हमने देखा कि गोवर 14th सेंचुरी के या मिडिल एजेस के, मिडिल एजेस को डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता है. इसे डार्क एजेस के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज जो मिडिल एजेस के वर्क हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलर नहीं है रीडर से, बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स नहीं है, इसी वजह से मिडल एजेस को डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है. तो चौसर और गोवर दोनों ही इस एज के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं और गोवर का जो वर्क है उसे बहुत कम जाना गया है. गोवर के वर्क कन्फेशियो अमेंटिस को बहुत ही फेम भी मिली है. तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कम्प्लीट.